में दिखाते हैं कि जौनपुर की सदर विधानसभा सीट से विधायक गिरीश चंद यादव का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, पिछले 2.5 सालों में उन्होंने कितने विकास कार्य कराए और क्या कहती है क्षेत्र की जनता। गोमती नदी के किनारे बसे जौनपुर की राजनीति में अपनी पहचान रही है। आजादी से लेकर आज तक जौनपुर से निकले कई नेता राज्य सरकार में मंत्री बने। मौजूदा वक्त में जौनपुर की सदर सीट से विधायक गिरीश चंद्र यादव प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने 2017 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान क्षेत्र की जनता से कई वायदे किए थे। मसलन उनकी ओर से सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने जैसे वायदे किए गए थे, लेकिन इनमें से पूरे कितने हुए हैं, जब ये सवाल क्षेत्र की जनता से किया गया तो प्रतिक्रिया मिली जुली रही। कई लोगों का मानना है कि गिरीश चंद्र यादव के विधायक चुने जाने के बाद क्षेत्र के विकास को गति मिली है, तो कई मानते हैं कि सदर विधायक और योगी सरकार में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने जनता से किए गए वायदों को पूरा करने की कभी कोशिश ही नहीं की। 2.5 साल में काम हमारे माननीय गिरीश चंद्र यादव जी के तहत देखा जाए इसमें तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे जिले में जौनपुर में। यहाँ तक हमारे जौनपुर में सड़कें बहुत खराब थी, इसमें सड़कें भी ठीक ठाक हो गए हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे जितनी प्रधानमंत्री आवास योजना है उनको भारी भारी से हमारे नखास मोहल्ले में ही बहुत दिया गया, कम से कम 2500-150 लोग लाभार्थी हुए हैं आवास। देखिए, जनपद जौनपुर के यशस्वी विधायक सदर विधानसभा के और उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री माननीय गिरीश चंद्र यादव जी के नेतृत्व में जनपद जौनपुर में 2.5 साल में जो अभूतपूर्व विकास की गंगा बही वह निश्चित रूप से जनपद के एक इतिहास में दर्ज है। अब वादे तो विधायक जी क्या करें, वादे तो सारे लोग कर रहे हैं, पूरी पार्टी की हुई है और पूरा देश जान रहा है कितना वादा ये लोग पूरा कर रहे हैं। और फिलहाल हमारे जौनपुर जनपद में कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कि जब चुनाव तो लड़ रहे थे तो वादे तो गिरीश यादव जी प्रत्याशी भी थे और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, वादे उन्होंने तमाम किए। नगर पालिका से लेकर ग्रामीण क्षेत्र जो विकास का उन्होंने वादा दिखाया वो पूर्ण रूप से एकदम कहीं दिखने की स्थिति में नहीं है, जबकि वो सरकार में मंत्री हैं। अगर वो प्रयास और ज़्यादा लगाव रखते अपने क्षेत्र से तो वो पूरे जगह विकास कर लेते। आज 3 दिन बारिश हुई, आप देखते हैं कि नगर के हर गलियों में पानी डूब गया है, सफाई की व्यवस्था एकदम गंदगी है। विपक्ष का आरोप है गिरीश चंद्र यादव ने 2017 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान गोमती को साफ करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, उद्योग धंधों को बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। गोमती नदी में पहले से ज्यादा गंदगी फैल गई है, सोलर पावर प्लांट बंद पड़ा है, उद्योग धंधे ठप होते जा रहे हैं। पिछले 2.5 सालों में आदरणीय मंत्री जी जो यहाँ के विधायक हैं गिरीश यादव जी, इन 2.5 सालों में उनकी करनी और कतनी का अंतर आप स्पष्ट इस नगर में देख सकते हैं। ये नगर अपने विकास से एकदम अछूता हुआ है। जो थोड़ा बहुत भी स्थिति परिस्थितियाँ ठीक थीं वो भी इस बरसात में और बद से बदतर हो गई हैं। कि ये लोग तो पैदाशी झूठे हैं पूरी पार्टी। जहाँ तक शहर विधायक का सवाल है, वो उन्होंने तो एक काम किया है, पूरा जो है नगर पालिका को पंगु कर दिया। जो नगर पालिका के पास धन वो पौधा सब सेंट्रलाइज करा के सारा पैसा टूटा जूटाम करके और खाली कमीशन खोरी और ठेकेदारी के चक्कर में जो नगर का कोई काम हो नहीं पाया, पूरा जिला इसमें बेहाल है। गोमती तट पे ही है, यहाँ पर भी सोलर प्लांट की एक व्यवस्था की गई थी, जो उधर पूरा लगता, पूरा सोलर प्लांट लगता, उसमें पूरी बिजली की व्यवस्थाएँ होती है, कहाँ है वो पैसा कहाँ गया। हालांकि जब इस बारे में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव से बात की गई तो उनका कहना था कि विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, लिहाजा वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्षेत्र में सड़क की स्थिति में सुधार के साथ साथ तमाम विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जो भी जनता की मूलभूत समस्याएं उसके निराकरण करने का सतत प्रयास करता रहता हूं और विकास के भी काम हमने कराए हैं। छात्र जीवन में बीजेपी से जुड़ गए गिरीश चंद्र यादव ने 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को हराकर जौनपुर सीट पर कब्जा जमाया था और जब सरकार का गठन हुआ तो उन्हें सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जो जिम्मेदारी जनता ने उन्हें सौंपी है अब उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि अभी 2.5 साल का वक्त बाकी है,
लेकिन अगर विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच पनप रहा गुस्सा कम नहीं हुआ तो 2022 में गिरीश चंद्र यादव की राह आसान नहीं होने वाली। अजीत सिंह, जी मीडिया, जौनपुर।